गुड मॉर्निंग। सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी नाइन के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं नए दिन की शुरुआत। आधार कार्ड यूजर्स को मिली बड़ी राहत। सरकार ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की सुविधा आगे बढ़ाई। UIDAI ने आधार को ऑनलाइन फ्री में अपडेट करने का समय सीमा 14 सितंबर तक बढ़ाई। पहले ये समय सीमा 14 जून तक थी। उपभोक्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं आधार को अपडेट। फेस्टिव सीजन में टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर हो सकते हैं सस्ते। टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और फ्रिज में उपयोग होने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमत कोविड से पहले के स्तर पर पहुंची। पिछले 2 सालों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमत पहुंच गई थी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। कंपनियां इनपुट कॉस्ट में आई गिरावट का फायदा पास करेंगी उपभोक्ताओं को। दिवाली पर सस्ते हो सकते हैं अधिकांश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। दाम घटाने से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग बढ़ाने में भी मिलेगी मदद। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च की एक्टिव मनी योजना। इसमें निवेशकों को मिलेगा 7% का सालाना ब्याज। इससे निवेशकों को होगी बचत खाते की तुलना में दोगुनी कमाई। सेविंग अकाउंट की तरह खाते में कभी भी निकाला जा सकता है पैसा। कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने पर आपको चुनना होगा एक्टिव मनी का विकल्प। हर समय सेविंग अकाउंट में रखनी होगी एक निश्चित रकम भी। तय सीमा से ज्यादा पैसों को किया जाएगा फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर, जहां ग्राहकों को मिलेगा सालाना 7% का ब्याज। गोल्ड की तरह अब सिल्वर पर भी मिलेगा लोन। बैंकों ने RBI से की चांदी पर लोन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग। चांदी के बदले लोन देने की काफी दिनों से हो रही है मांग। आभूषण निर्माता और छोटे कारोबारी कर रहे हैं सिल्वर लोन की डिमांड। निर्यातक और घरेलू निर्माताओं को होगा सिल्वर लोन से फायदा। पिछले 1 साल में देश के सिल्वर ज्वेलरी सहित चांदी के निर्यात में आई है 16% की तेजी। चांदी का निर्यात बढ़ने से ज्वेलरी निर्माता चांदी खरीदने के लिए क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। घरेलू हवाई यातायात में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। मई में हवाई यात्रियों की संख्या 15% बढ़कर हुई 13,26,70,000। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 1 साल पहले मई 2022 में थी 11,46,70,000। गो फर्स्ट के बंद होने के बाद इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी में आया जोरदार उछाल। मई में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी सालाना आधार पर बढ़कर हुई 61.4%। यात्रियों की संख्या बढ़ने से हवाई किरायों को मिल रहा है समर्थन। नकदी संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने 25,000 रिटेल पार्टनर्स का साथ छोड़ा। कॉस्ट घटने के तहत कंपनी ने उठाया कदम। मल्टीब्रांड रिटेल सेगमेंट से वोडाफोन आइडिया ने पार्टनर्स को हटाया। कंपनी ने बंद किया पार्टनर्स को कमीशन का भुगतान। कंपनी के मोबाइल ग्राहकों की संख्या मार्च में घटकर हुई 23.67 करोड़। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से वोडाफोन आइडिया को मिल रही है कड़ी टक्कर। GST काउंसिल की 50वीं बैठक होगी 11 जुलाई को नई दिल्ली में। फर्जी पंजीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए कुछ नए उपायों की होगी चर्चा। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर टैक्स लगाने पर भी होगा विचार। टैक्स युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह के गठन पर भी हो सकता है फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने स्तर पर पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी पर लगाई रोक, लेकिन अप्रैल 2024 तक ब्याज दरें बनी रह सकती हैं ऊपरी स्तर पर। पिछले 8 दिन में ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप पर लगातार हो रही है बढ़ोतरी, जो बताता है कि कर्ज की दरें नहीं होंगी जल्द कम। यूरोपियन सेंट्रल बैंक लगातार बढ़ा रहा है ब्याज दर। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में फिर से की 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। यूरोप में प्रमुख ब्याज दर बढ़कर हुई 3.5%। सेवी ने शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप 100 कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर नियमों को बनाया कठोर। नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू। बाजार में फैली किसी अफवाह पर 24 घंटे के दौरान देना होगा स्पष्टीकरण। सेवी ने खुलासा जरूरतों को मजबूत बनाने के लिए नियमों को किया अधिसूचित। टॉप 250 कंपनियों के लिए नया नियम 1 अप्रैल 2024 से होगा लागू। लिस्टेड कंपनियों में कॉरपोरेट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सेवी ने बनाई एक रूपरेखा। कोयला भंडार 44% बढ़कर करीब 11 करोड़ टन हुआ। कोयले का अधिक भंडारण पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने में करेगा मदद। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता है बेहद जरूरी। पिछले साल समान महीने में कोयले का भंडार था 7.66 करोड़ टन। सरकार का ध्यान देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। पतंजलि का कारोबार 5 साल में 1,00,000 करोड़ रुपए करने का है लक्ष्य। लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए उतारे जाएंगे उत्पाद। हर उपभोक्ता समूह तक पहुंचाने की योजना पर चल रहा है काम। पतंजलि फूड्स उभरते उच्च मध्य वर्ग को ध्यान रखेगी, अपने उत्पाद पेश करेगी। पतंजलि की पहुंच दुनिया के करीब 200 देशों में 2 अरब लोगों तक हुई है। बीमा सुगम सुविधा के लिए करना होगा अभी और लंबा इंतजार। किफायती बीमा सुविधा बीमा सुगम के अगस्त तक शुरू होने की संभावना हुई कम। इरडा इसे अधिक कारगर बनाने के लिए कर रहा है इसमें कुछ संशोधन। बीमा सुगम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ऑनलाइन बीमा बाजार के तौर पर करेगा काम। बीमा कंपनी के पास अपने उत्पादों की पेशकश करने और उन्हें बेचने का होगा अवसर। ग्राहक एक स्थान पर खरीद सकेंगे विभिन्न बीमा योजनाएं। नवीनीकरण के साथ पेश कर सकेंगे अपने दावे भी।
एलईडी लाइट बनाने वाली कंपनी आईक्यू लाइटिंग ने शेयर बाजार में की धमाकेदार शुरुआत। आईक्यू का शेयर शुक्रवार को 285 रुपए के निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब 38 फीसदी प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। आईक्यू का शेयर बीएसई पर 37 फीसदी प्रीमियम के साथ 391 रुपए पर हुआ लिस्ट। एनएसई पर शेयर 38 फीसदी की बढ़त के साथ हुआ 392 रुपए पर लिस्ट। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मनी नाइन के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी नाइन की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको क्या करना है, www.moneynine.com पर आपको लॉग इन करना है। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरों को देख सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी नाइन के ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लें। बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार।